हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी कहाँ से व्लॉग बना रही हूँ। मैं टोटो में बैठ के व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी व्लॉग भी शूट करना था। तो इसीलिए मैं जब बाहर निकली तो मुझे याद ही नहीं रहा। जब मैं टोटो में बैठी तब याद आया कि अरे व्लॉग तो बनाने ही नहीं शुरू करे, तो अभी चलते शुरू करते हैं। तो अभी शाम के बजे 5 और इतना धूप, 5 बजे भी इतना धूप कि मत पूछिए। हम लोग कब बाज़ार निकले समझ में नहीं आ रहा था, 2 बजे से वेट कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी कहाँ आ रही, मतलब कहाँ जा रही हूँ। तो ये एक मॉल है जहाँ से मैं अपना रेगुलर का सामान लेती हूँ, मतलब रेगुलर यूज़ किया हुआ सामान लेती हूँ यहाँ से। मतलब यहाँ पे हर तरह का सामान आपको मिल जाएगा यहाँ, कपड़ा पहनने से लेकर के कपड़ा घर के खाने पीने से लेकर ग्रोसरीज का सामान, जितना भी ये सारा आइटम आपको यही मॉल में मिल जाएगा। सो इस मॉल का नाम है विशाल, और वो है विशाल मेगा मार्ट, और वो है देवघर में। तो हम लोग यहीं आते हैं, और यहाँ पर जब भी मैं आती हूँ कुछ और ख़रीदने के लिए तो यहाँ पर मेरा नज़र यही सब लाइन पर पड़ जाता है कि मैं ये सब लेने का मन करता है लेकिन मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि पहले जो ज़रूरी सामान रहता है वो मैं लेने के लिए इतना स्पीड कर रही थी कि मत पूछिए। तो मैं यहाँ आई थी अनाया का स्टडी टेबल लेने के लिए, तो यहाँ पर मिल रहा था 4 साल के बच्चे के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके का टेबल है, स्टडी टेबल। लेकिन मेरी बेटी को जो कार्टून पसंद है वही टेबल वो यूज़ करेगी, क्योंकि वो एक जगह देखी है और इतना रोती है कि मत पूछिए। हम लोग को लाने के लिए बोली, जैसे ही मुझे आज ही बोली, मैंने आज ही एकदम एक ज़रा भी मैंने देरी नहीं किया और मैं लेने के लिए चली आई मॉल, क्योंकि मैं मेरी बेटी को मैं बहुत मानती हूँ। मतलब उसका हर एक ज़िद पूरा किया है मैंने, लेकिन कोई पूरा करे या ना करे, इसके पापा मम्मी हमेशा रहते हैं साथ में जो कि इसको इसका हर एक डिमांड पूरा करते हैं। वो सिर्फ टेबल के स्टडी टेबल को के लिए रोई है, तो मैंने इसको ये ला के दिया है। और भी बहुत सारे चीज़ें जो मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ, नहीं बता सकती हूँ। सो आप ये देख सकते हैं, ये सब बड़े बच्चों के लिए यूज़ करने वाला है, लेकिन वो जिसका मेरी बेटी का जितना साइज़ है वही हिसाब से मैं उसके लिए टेबल ले रही थी। और दुनिया में हर माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे का डिमांड पूरा करते हैं, तो इसीलिए मतलब कि मेरा जो है ना, मतलब मेरा अलग ही शौक है कि मैं अपने बच्चे का सारा डिमांड पूरा करूं। मैंने एक गिफ्ट भी देख के रखा है कि इसके बर्थडे पे इसको एक चीज़ मैं दूंगी। सो ये सब नहीं, ये सब तो ऐसे ही रूम डेकोरेटर का सामान है, लेकिन मैं एक चीज़ ये देख ली हूँ तो मैं वही दूँगी इसे मेरी अनाया को। तो अभी उसके बारे में बात नहीं करते, अभी उसके बर्थडे आने में बहुत टाइम है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सब सामान यहाँ पर देख ही रही थी, और यहाँ पे मेरी भतीजी जो है वो वीडियो बना रही थी, तो इनका तो मन होगा ही इधर उधर कि यहाँ से रिकॉर्ड कर लूँ, यहाँ से रिकॉर्ड कर लूँ। तो आप ये देख सकते हैं अनाया का स्टडी टेबल कैसा लगा, वही हम लोगों ने फाइनल किया डोरेमोन का, क्योंकि वो डोरेमोन के पीछे ज़्यादा रहती है। वैसे ये आजकल नया नया निकला है सफ़ा सोसो, वही सब देखती है, लेकिन मैंने डोरेमोन का लिया। जब इमरजेंसी में कुछ बचता नहीं है तब वो डोरेमोन देख लेती है, तो वही डोरेमोन उसको पसंद है, तो मैंने वही कार्टून का इसका स्टडी टेबल लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे टॉयज़ यहाँ पे हैं। अच्छा वो उसको मैंने लाया, नहीं तो मुझे सारा ख़रीदना पड़ता, सारा नहीं कह सकते, मतलब कि जो जो वो उठा लेगी उसको लेना ही है, कि नहीं तो रो रो के पूरा हाल बेहाल कर देगी। आज वो स्टडी टेबल के चक्कर में हमको भगाई है मॉल में। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर उसका उसके पसंद के भी जो होते हैं नूडल्स में वो भी लिया, और मैं खुद के भी पसंद का नूडल्स मैंने लिया क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने होते हैं, सो इसीलिए मैंने वो सब लिया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरी भतीजी ले रही थी, मुझसे पूछ रही थी ये वाला चाहिए, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे कोरियन फूड, मतलब कोरियन चाहिए, तो कोरियन नूडल्स चाहिए, तो इसीलिए मैंने वो ले लिया था, रामेन जिसका नाम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे सिर्फ कोरियन रामेन है, तो यहाँ पे सिर्फ उसी का सेक्शन यहाँ पे लगा हुआ था, तो इसीलिए मैंने यहीं से ले लिया है। वेज भी लिया है और नॉन वेज भी लिया है। तो यहाँ पे पास्ता का भी सेक्शन यहाँ पे है, और हम लोगों ने उतना ज़्यादा भीड़ कम करते हुए हम लोग चले बिल करवाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लंच बॉक्स भी हम लोग का उस ट्रॉली में है, तो वो मेरी भतीजी लिए किसी को गिफ्ट देना है, सो इसीलिए वो भी यहाँ से वही सब चीज़ें लेती है। यहीं पर ही बहुत सारी चीज़ मिल जाता है। और ये देख सकते हैं, मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं सारा सामान यहीं से लूँगी जब मैं घर में शिफ्ट करूँगी। तो यहाँ पे मेरी भतीजी ने दिखाया कि देखिए हैंगर भी है, हम लोग झूठ मूठ का इधर उधर घूमते यहीं पे आ जाया करेंगे हैंगर भी लेने के लिए, और इनको बहुत पसंद आया। तो फिर मैंने भी कहा कि ठीक है ले ही लेते हैं। सो मैंने फाइनली यहाँ पे बिल करवा लिया है, और यहाँ आप देख सकते हैं
कि मेरा सारा सामान का बिलिंग हो चुका है। तो गाइज़ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।